Hello everyone, welcome to It's English Time. So from today onwards, we'll learn the different parts of speech in details. So the today's topic is noun, that is the first part of speech. So basically, what is a noun that I have explained you in the previous video of parts of speech. So in this video, we'll just learn the topic noun deeply. So what is a noun? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं. सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन एक वर्ड है जो किसी का नाम है, किसी चीज का, किसी जगह का या किसी इंसान का. इट कैन बी द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया, नाउन किसी इंसान का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है या किसी चीज का नाम भी हो सकता है. सो एग्जाम्पल्स आर पेंसिल, पेन, सिटी, मुंबई, वुमेन, गर्ल और सीमा. पेंसिल पेन किसी चीज़ का नाम है, सिटी मुंबई किसी जगह का है, वुमेन एक लेडी है, गर्ल एक लड़की है, सीमा किसी पर्सन का नाम है. किसी भी चीज़ का नाम, कोई जगह का या किसी इंसान का नाम जो होता है, वो उसे हम नाउन कहते हैं. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. सो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन. द फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन किसी प्रॉपर इंसान का या जगह का नाम, कॉमन जो यूजुअली नाम होते हैं पेन, पेंसिल, बुक. कलेक्टिव नाउन जो कलेक्टिव चीज़ों का नाउन हो, किसी ग्रुप का नाम हो. मटीरियल किसी चीज़ का नाम, किसी मैटर का नाम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी फीलिंग का, कोई एक्शन का नाम. So firstly we learn what is a proper noun. A proper noun is a special name of a particular place, person or thing. Proper noun किसी का special नाम है, किसी इंसान का या किसी जगह का या किसी चीज़ का. Proper noun उन्हें भी कहते हैं जब हम किसी sentence में किसी proper चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. अगर for example रवि, शीला, अकबर किसी के नाम है ये, तो ये proper noun होते हैं. Always remember when there is the name of a particular person, that is a proper noun. The name of a place, Delhi, India, Africa is a proper noun. Book, television, table, इन्हें हम proper noun भी कहते हैं और इन्हें हम common noun भी कहते हैं. But वो sentence पे depend करता है कि हम किस sentence में उन्हें क्या कह रहे हैं. अगर हम किसी proper book के बारे में बात कर रहे हैं कि ये book मुझे पढ़नी है, I want to read the novel so and so name, तब तो वो कोई प्रॉपर नाउन है. अगर हम यूजुअली कहें कि आई वॉन्ट अ बुक, तो वो बुक कॉमन नाउन में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल कमला इज अ फाइन डांसर. कमला या किसी लड़की का नाम है, प्रॉपर नेम बताया गया है, तो कमला एक प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन में हम किसी डे का नाम, जैसे मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये भी प्रॉपर नाउन होते हैं. किसी मंथ का नाम, वो भी प्रॉपर नाउन में काउंट किया जाता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन्हें भी हम प्रॉपर नाउन ही कहते हैं. सो द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज अ जनरल ऑर्डिनरी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन किसी का नाम, किसी की जगह का नाम या किसी चीज का नाम होता है जो जनरली होता है, ऑर्डिनरी जो सबका है. सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, ये किसी पर्सन का है मगर यूजुअली प्रॉपर नाम नहीं दिया गया किसी का. हमने शीना किसी की सिस्टर का नाम नहीं बताया, हमने सिर्फ सिस्टर बोला. सिस्टर तो सबकी है मगर हमने किसी प्रॉपर सिस्टर का नाम नहीं कहा यहाँ पे, तो ये कॉमन नाउन होता है. ब्रदर, फ्रेंड, ऐसे ही. सिटी, स्टेट एंड स्ट्रीट. हमने किसी प्रॉपर सिटी, स्टेट या स्ट्रीट का नाम नहीं कहा, हमने सिर्फ सिटी, स्टेट और स्ट्रीट कहा है. ये बहुत सारी हैं तो इसलिए ये हम कॉमन नाउन में काउंट करते हैं. अगर हम किसी सिटी का प्रॉपर नाम बताएंगे या किसी स्टेट का प्रॉपर नाम कहें, जैसे हरियाणा, पंजाब, तो वो प्रॉपर नाउन होंगे. अगर हम कहें कि स्टेट, तो स्टेट सिर्फ कॉमन नाउन में आता है. बुक, कार एंड बटर थिंक का नाम है. हम जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, कॉमन नाउन बुक तब आता है अगर हम यूजुअली किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं या यूजुअली किसी कार के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम किसी प्रॉपर कार का नाम बताएं तो वो प्रॉपर नाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल रवि लिव्स इन अ विलेज.
विलेज कॉमन नाउन है, किसी प्रॉपर विलेज का नाम नहीं बताया यहाँ. अगर कोई प्रॉपर विलेज का नाम बताते तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता, मगर यहाँ ये विलेज सिर्फ कॉमन नाउन है. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. सो इट सेज द प्रॉपर नाउन बिकम्स कॉमन नाउन व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ पर्सन और थिंग. इन दीज सेंटेंसेस द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन. इट मीन्स कि प्रॉपर नाउन जो नाम है वो कॉमन नाउन भी बन जाता है, मगर कब? जब हम उनका कंपैरिजन कर रहे हों और वो चीज़ सिर्फ पर्सन या थिंग में होती है या किसी जगह में भी हो सकती है. प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन सकता है लेकिन सिर्फ तब अगर हम उन दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हों. और जो प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले हम वर्ड द लगाएंगे, टी एच ई द. फॉर एग्जाम्पल, सुरेंद्र इज द दारा सिंह ऑफ आर स्कूल. सुरेंद्र प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी का नाम है, मगर उसका कंपैरिजन हो रहा है तो वो कॉमन नाउन बन गया. और जो दूसरा वर्ड है मेन प्रॉपर नाउन है वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, दारा सिंह. सेकेंड इज कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया. कश्मीर प्रॉपर नाउन है मगर हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ तो वो कॉमन नाउन बन गया. और दूसरा वर्ड है स्विट्जरलैंड तो वो प्रॉपर नाउन होता है. द थर्ड इज जयपुर इज द पैरिस ऑफ इंडिया. जस्ट लाइक दैट, जयपुर प्रॉपर नाउन है मगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है. और द मेन वर्ड प्रॉपर नाउन जो है उसके पहले हमने द लगाया, जैसे पैरिस के पहले द लगाया है, स्विट्जरलैंड के पहले द लगाया है, दारा सिंह के पहले द लगाया है. सो नाउ द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन्स और थिंग्स. कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम होता है जो हम किसी ग्रुप को देते हैं या किसी कलेक्शन ऑफ सिमिलर चीज़ों को या सिमिलर लोगों को दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कमेटी ऑफ मेंबर्स, जब बहुत सारे मेंबर्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो कमेटी बन जाता है. टीम ऑफ प्लेयर्स, जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ होते हैं तो उन्हें हम टीम कहते हैं. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स एक साथ हों तो उन्हें हम फ्लॉक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बंच ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स बहुत सारे हों तो उन्हें हम बंच ऑफ फ्लावर्स या बुके ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं. द फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन इज अ नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. मटीरियल नाउन एक ऐसा नाम होता है जो किसी सब्सटेंस का होता है जिससे बहुत सी चीजें बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, ब्रास, गोल्ड. आयरन से बहुत चीजें बनती हैं. आयरन एक मैटर है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा आयरन, कॉपर, इन सब के बारे में. ये मैटर होते हैं, इनसे बहुत सारी चीजें और बनती हैं तो इन्हें हम मटीरियल नाउन कहते हैं. कोई भी मटीरियल नाउन मैटर का नाम होता है, जैसे हम पढ़ा है हमने आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब मटीरियल नाउन है. फॉर एग्जांपल, आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल. तो आयरन किसी मेटल का नाम है तो वो हमारा मटीरियल नाउन बन जाता है. द फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द क्वालिटी दैट अ पर्सन और थिंग हैव, action they take and state they find themselves in. It means abstract noun is the name of the quality. Abstract noun एक ऐसा नाम है जो किसी की quality बताता है, या तो किसी person की या किसी चीज़ की. और हमें action बताता है जो उनके द्वारा किया जाता है, या किसी state के बारे में जिस state में वो है. State यहाँ पे मतलब कोई शहर से नहीं है, state मतलब जिस position में वो है. For example, darkness, kindness and loyalty. ब्यूटी, वी रिस्पेक्ट ऑनेस्टी. ऑनेस्टी किसी की खासियत है इसलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ग्रामर, फिजिक्स, ज्योग्राफी, अरिथमेटिक एक्सेट्रा आर ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दीज टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. प्लीज रिमेंबर देम. सो नाउ दिस इज द प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू. द क्वेश्चन इज दैट पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड नेम देम. You have to find the nouns from the sentences and you have to name them. That what kind of noun is that? First is Rita has a doll. Seema lives in Kanpur. The boys are playing in the classroom. He is the lokman of his age. Subhash was a fearless leader. Beauty is a great blessing. Mass is a gold of strength. The herd is grazing on the hill. Our school team won the tournament.
I like to study arithmetic. A bunch of keys is lying on the table. Noor Jahan was famous for her beauty. Please practice these sentences. In the next slide, I have provided you the answers. You can tally them with your answers that you have marked or written. So this is the answers for that sentences. I would like to tell you that in this, I have underlined the noun and I have written the short form of the name of the noun. For example, P, C1, C2A. So P stands for proper noun, C1 stands for common noun, C2 stands for collective noun, M for material noun and A for abstract noun. You can tally these with your answers. You can get the topic clear. Thanks for watching my video. I hope it helped you in learning. Do like my videos and for the more updates, please subscribe my channel and press the bell button. If you have any suggestions regarding the videos, you can drop them in the comments below. Thank you.